आप यह वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि शायद आप कोई आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या मिस्त्री हैं। हो सकता है कि आप कोई मकान बनवा रहे हैं या दुकान का निर्माण करवा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि भविष्य में आप या मकान या दुकान का निर्माण कराने की कुछ सोच रहे हैं। आखिर जो भी हैं आप हमारे दर्शक हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजरी कितनी प्रकार की होती है, अच्छी बजरी की पहचान कैसे करें, खराब बजरी कैसी होती है और बजरी की गुणवत्ता को देसी तरीके से कैसे जांच करें और किस बजरी को कहां पर उपयोग में लाना चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में बजरी की क्या भूमिका है। आज के इस दौर में बजरी के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन काम संभव नहीं है। और गलती से भी हमारी साइड पर अगर खराब बजरी आ गई तो कैसे हमारे मकान का स्वास्थ्य खराब कर देती है, जैसे दरारें पड़ना, क्षार आना, दीवार पर प्लास्टर निकल जाना या प्लास्टर में से दाने निकलना जैसी कई बीमारियां हमारे मकान को घेर लेती है। आज के समय में बजरी मुख्यतः चार प्रकार की होती है। नदी की सफेद बजरी, नदी की काली बजरी, पहाड़ी बजरी और आर्टिफिशियल कर्शर यानी एम सेंड। सभी प्रकार की बजरी में तीन प्रकार की क्वालिटी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मैं यहाँ पर आपको दो प्रकार की बजरी दिखा रहा हूँ। ये जो बजरी आप देख रहे हैं यह सेकंड नंबर की बजरी है, इसमें रेत की मात्रा है। बजरी में रेत मिली हो तो चलेगा, लेकिन कादव कीचड़ वाली मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आप बजरी देख रहे हैं यह फर्स्ट क्वालिटी की बजरी है, इसमें ना तो रेत की मात्रा है ना ही कादव कीचड़ है। बजरी के दानों की साइज भी लगभग 2 mm है। अब आप ये जो बजरी देख रहे हैं ये भी फर्स्ट क्वालिटी की बजरी है, बस इसको प्लास्टर करने से पहले छान लेना चाहिए। लेकिन अगर आप चिनाई, जुड़ाई, फ्लोरिंग, वाटरप्रूफ, कंक्रीट, RCC, PCC का काम करते हैं तो इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना छाने भी उपयोग में ले सकते हैं। अब ये जो आप बजरी देख रहे हैं इसको हम क्रशर, एम सेंड या आर्टिफिशियल सेंड भी कहते हैं। ये बजरी पहाड़ी पत्थरों को मशीन में पीस कर चूरा बनाया जाता है, जिसमें रेत या कीचड़ बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जितनी पकड़ सीमेंट और रिवर सेंड में होती है उतनी पकड़ सीमेंट और एम सेंड में नहीं होती, इसलिए संभव हो तो हमेशा रिवर सेंड का ही उपयोग करें। बस रिवर सेंड में धूल, मिट्टी, कचरा और क्षार की मात्रा नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब जान लेते हैं कि बजरी को देसी तरीके से कैसे जांच करें। बजरी की सबसे पहली पहचान यही है कि बजरी दानेदार होनी चाहिए। ये दाने ना तो ज़्यादा महीन होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए। इन दानों की साइज 1 mm से लेकर 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा महीन है तो भी रेती खराब है और अगर ज़्यादा बड़ी है तो भी रेती खराब है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से बजरी को मुट्ठी में भरकर खाली कर दें। अगर आपके हाथों में मिट्टी लगती है तो आपकी बजरी में खराबी है, लेकिन अगर आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं तो आपकी बजरी नंबर 1 है। तीसरा तरीका ये है कि आप एक बर्तन में स्वच्छ पानी भर लें और जो भी आपकी बजरी है, चाहे वो काली हो या सफ़ेद हो, उसको इस तरह से 5-6 मुट्ठा पानी में डाल दें। आप देख रहे हैं कि इस बजरी में कितना कीचड़ वाली मिट्टी है। अगर आप इसको इसी तरह से हिलाएंगे तो यह बजरी अपना असली रूप दिखा देगी। इस प्रकार की बजरी को हम थर्ड क्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार की बजरी को टाइल्स, मार्बल के फ्लोरिंग तथा PCC में ही यूज करना चाहिए, प्लास्टर में बिल्कुल नहीं। बजरी को देसी तरीके से चेक करने का मेरा चौथा तरीका आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी बजरी में नमक की मात्रा कितनी है यह जांच करने के लिए ये तरीका एकदम सही है।
बहुत बार ऐसा होता है कि समुद्र का पानी नदी में आ जाता है, जिसके कारण बजरी टेस्ट में नमकीन हो जाती है, साल्टी हो जाती है। इसलिए आप बजरी के 3-4 दानों को अपनी जीभ पर रख कर पता करें कि इसका स्वाद कहीं नमकीन तो नहीं है, कहीं साल्टी तो नहीं है। अगर आपकी बजरी का स्वाद नमकीन है तो उसको अच्छी तरीके से धो के फिर ही यूज करें। हमारा पांचवा देसी तरीका है बजरी को जांच करने का, यह है कि आप बर्तन में बजरी भरकर इसको हवा में इस तरीके से बरसाएं। इससे मिट्टी अलग हो जाएगी और दानेदार बजरी अलग हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा हमारी बजरी में मिट्टी की मात्रा कितनी है और असली बजरी की मात्रा कितनी है। तो आप भी अपने साइड पे बिना किसी लेब या बिना किसी केमिकल के बजरी की जांच कर सकते हैं। सारे जो मैंने तरीके बताए हैं ये सारे असली हैं, जेन्युइन हैं और ये काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।